तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक सबसे बेस्ट पॉलिश, और ये जो पॉलिश है भाई इसे एक बार ही लो और 5-6 साल के लिए भूल जाओ। पॉकेट फ्रेंडली है और बंदों की कितना काम आ सकती है, एक बार ही लो और भाई अपनी गाड़ियों पे लगाओ मजे से। सो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक सबसे बेस्ट पॉलिश जो आप अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट या और किसी भी बाइक पे यूज कर सकते हो उसके पेंट को मेंटेन करने के लिए और उसकी ग्लॉस बढ़ाने के लिए, ताकि आपका पेंट एकदम लॉन्ग लास्टिंग रहे और एक उसमें आगे जाके वही चमक रहे जो उसमें नई जैसी जब आपने ली थी गाड़ी तब थी। और ये जो पॉलिश है भाई इसे एक बार ही लो और 5-6 साल के लिए भूल जाओ कि भाई तुम्हारे पास ये पॉलिश है, क्योंकि ये खत्म ही नहीं होती। मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और 25-30 साल से मेरे पापा यूज कर रहे हैं इस पॉलिश को, मतलब इस वाली पॉलिश को नहीं जो मैं इस समय आपको दिखाऊंगा, मतलब बहुत टाइम से हम अपनी गाड़ियों पे यही यूज करते हैं। तो पापा ने कहा कि इस पे एक रिव्यू बना अपना और बंदों को भी बता कि ये पॉलिश कितनी ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है और बंदों के कितना काम आ सकती है, एक बार ही लो और भाई अपनी गाड़ियों पे लगाओ मजे से। 2-3 साल अगर आप ज्यादा रगड़ के भी लगाओगे तो ये पॉलिश तुम्हारी 3 साल कहीं नहीं गई। अपने आराम से लगाओ, चमकाओ गाड़ी। और इस पॉलिश को लगाने के कई तरीके भी हैं। कई बंदे इसे ले तो लेते हैं फिर उसके बाद ना वो पॉलिश उनके पार्ट्स पे जम जाती है, फिर वो सोचते हैं कि भाई ये पॉलिश ही बेकार है। पॉलिश बेकार नहीं है, आपने लगाई गलत तरीके से है। तो मैं आपको कई स्टेप्स बताऊंगा कि आप इस पॉलिश को कैसे यूज कर सकते हो और कैसे एक अच्छी चमक आपको देखने को मिलेगी इस पॉलिश के थ्रू। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ भाई वो पॉलिश है कौन सी। सो दोस्तों ये है वो पॉलिश, इसके लुक्स पे मत जाना ठीक है। ये दिखने में तो आपको काफी ज्यादा ऐसी लग रही होगी भाई ये तो काफी बुरी हालत में है, ये देखने में जितनी बेकार है उससे अच्छी ये ग्लॉस देती है, उससे ज्यादा अच्छा इसका काम है। वैसे आपको इस वीडियो के एंड में पता लग जाएगा कि आप इसे लोगे या नहीं लोगे। वैसे मैं अपना ओपिनियन दूं तो आपको जरूर लेनी चाहिए एक बारी पॉलिश। अगर आप बार बार पैसे खर्च नहीं करना चाहते अपनी किसी और पॉलिश पे तो ये पॉलिश आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। एक बार ही लो, 3 साल के लिए भूल जाओ। सो गाइस बाय द वे माय नेम इज हर्ष एंड यू वाचिंग HC नोमैटिक। तो अब जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू, बातें हुई बहुत। सो दोस्तों पॉलिश मारने से पहले आप देख सकते हो मेरे टैंक पे डस्ट आ चुकी है क्योंकि ये कवर में खड़ी थी, और कवर में गाड़ी जब खड़ी करोगे तो कुछ ऐसी डस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम इस पे सूखा कपड़ा मारेंगे ताकि इसकी डस्ट आराम से हट जाए, और फिर मैं आपको बताता हूँ सारे स्टेप्स। मिट्टी हटाने के लिए भाई एक अच्छा सा माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लेना, जिससे आपका पेंट जितना नॉर्मल कपड़े से डैमेज होगा उतना तो नहीं होगा, पर डैमेज इस कपड़े से भी होता है भाई। तो अब मैंने इस पे जितनी भी डस्ट थी वो सब मैंने हटा दी है। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपनी पॉलिश, और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। इसमें जो स्पॉन्च होगा ना, ये आप देख रहे हो मैंने इसमें स्पॉन्च रख रखा है, और अभी भी भाई 4 साल हो चुके हैं इसे, मतलब मैं भूल भी चुका हूँ ये कब ली थी मैंने। बहुत ज़्यादा पुरानी पॉलिश है, अभी भी देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा पॉलिश इसमें है इस समय। तो इसे अच्छे से रगड़ो यूं करके स्पॉन्च, ये पूरा मैंने भर लिया है पॉलिश से, और इसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपने टैंक पर। इसे कुछ इस तरीके से अप्लाई करनी है आपको, ये देखो इसे अच्छे से लगा दो भाई अपने टैंक पे ना। और मैं तो वैसे पूरी बाइक पे मारूंगा ये पॉलिश, अगर पूरी बाइक का दिखाने लगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आपको टैंक का दिखा रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा नोटिस टैंक ही होता है किसी भी बाइक का। तो अब इस तरफ तो मैंने पॉलिश मार ली, अब इस तरफ मारता हूँ। ये अब इस तरफ पॉलिश लग रही है, और काफ़ी मोटा तगड़ा भाई आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा यार इस पॉलिश में। जितनी ये एकदम रीजनेबल प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगी, कुछ ज़्यादा इतना प्राइस भी नहीं है, आप गूगल पे जाके सर्च भी मार सकते हो और अमेजोन पे भी। ये वैक्स पोल कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, इतना बड़ा डब्बा तो नहीं मेरे को मिला पर ऑनलाइन, पर इसका छोटा वाला था वो भी कम से कम आपका 1-2 साल तो चल ही जाएगा। सो अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक कॉटन का कपड़ा लो साफ सा, उसका ऐसे बनाओ, ये आपको एकदम रोल कर लेना है और इसे अपने हाथ में फंसाओ। मैंने इस पॉलिश की आपको तारीफ तो कई सारी बता दी, पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि भाई इसमें मेहनत कितनी लगेगी। भाई इसे ना काफी ज्यादा रब करना पड़ता है, इतना और किसी पॉलिश को नहीं घिसना पड़ता जितना इस पॉलिश को घिसना पड़ता है, मतलब काफी मेहनत का काम है। और ज्यादा देर तक भाई ये पॉलिश लगी मत रहने देना अपने किसी भी पार्ट पे, वरना ना ये जैसे अभी हो रखी है ना इससे भी ज्यादा डार्क कंडीशन में ये जम जाएगी आपके पेंट पे, और काफी मेहनत लगेगी फिर इसे हटाने में। तो अब मैंने कपड़ा खोल लिया है ताकि भाई चारों तरफ से एकदम मारना चालू कर दे, और ना ज्यादा जान से मत घिसना। ये देखो दिखा कुछ नहीं, दिखेगा अभी सब दिख गया तो भाई फिर मैंने क्या बोला है, मेहनत ही किस चीज़ की अगर आपको किसी भी काम में ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिल जाए। तो भाई आप देख सकते हो हाफ टैंक पे मैंने अच्छे से कपड़ा मार दिया है और कुछ चमक आपके सामने। ज़रा कमेंट करके बताना कि भाई चमक आई है या नहीं आई, क्योंकि मैं एक आपका भी ओपिनियन देखना चाहता हूँ भाई इस पॉलिश के बारे में। तो अब इसे अच्छे से घिसेंगे भाई। सो दोस्तों अब मैंने हाफ टैंक पे मार दिए, अब मैं आपको इस तरफ मार के दिखाता हूँ, और ऐसे ना घुमा घुमा के कपड़ा मारना, इससे मदद मिलती है पॉलिश जल्दी हटने में। इस तरीके से कुछ इस तरीके से तेज़ी से पर। सो गाइस अब मैंने इसकी टंकी पे पूरा अच्छे तरीके से कपड़ा मार दिया है, और अब आप देख सकते हो भाई कुछ ऐसा लुक इसका निकल कर आया है।
देख रहे हो भाई कितनी तगड़ी शाइन आई है, कितना ज़्यादा स्लिपरी हो चुका है ये सरफेस, देख रहे हो। इस पॉलिश की एक यही खासियत है, और इस पर पानी भी ना ज़्यादा जल्दी से रखेगा नहीं, एकदम बह जाएगा पानी भी। तो अब ज़रा एक और बार इस पर मैं ढंग से कपड़ा मार लेता हूँ, फिर मैं आपको सीधा अब इसका क्लोजअप दिखाऊंगा कि कैसा आया अपनी टंकी पे। सो दोस्तों आप देख सकते हो यार कितनी तगड़ी शाइन आई है इसमें, आपको मेरा फ़ोन और मैं सब एकदम क्लियर तरीके से दिख रहा होऊंगा। मैं ज़रा आपको इस तरफ से और दिखा देता हूँ, क्योंकि इस तरफ लाइट कम है, इस तरफ लाइट ज़्यादा है। ये देखो भाई क्या तगड़ी शाइन आई है, ये देख रहे हो, मैं पूरा दिख रहा हूँगा आपको, सामने की दीवार पूरी दिख रही होगी इसमें। मतलब इतनी पुरानी पॉलिश होने के बावजूद भी इतना अच्छा काम कर रही है 3-4 साल बाद भी। तो भाई लाजवाब पॉलिश है, आप सब ले सकते हो। आप सब सोच रहे हो भाई यहाँ तो शाइन आ रही है, पर यहाँ क्यों नहीं आ रही, यहाँ एकदम ऐसा अजीब सा क्यों हो रहा है सब, क्योंकि भाई ये रैप है, मैंने यहाँ से रैप करा रखी है ताकि स्क्रैच मेरी टंकी पे ना पड़े अगर मैं कुछ सामान वामान रखूँ। तो कुछ ऐसा जुगाड़ आप भी लगवा सकते हो, मतलब इतना इतना हिस्सा अपना रैप करा दो तो स्क्रैच नहीं आएंगे, क्योंकि स्क्रैच जो होते हैं वो सेंटर में ही आते हैं टंकियों में, तो कुछ आपकी ऐसे प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो भाई अब मारते हैं जरा मडगार्ड पे, और आप देख सकते हो इसकी अभी कंडीशन और काफी बुरी हालत में भाई, इस समय आप कंडीशन चेक कर सकते हो। तो चलो पॉलिश मारते हैं अपने इस मडगार्ड पे। सो भाई जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपने मडगार्ड पे पॉलिश, और इसकी तो कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब है, टंकी से ज़्यादा भाई इसकी हालत ख़राब है, क्योंकि कवर करता हूँ ना मैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निशान आ जाते हैं, और मैं हाफ़ मडगार्ड पे ही मार रहा हूँ पॉलिश। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये पॉलिश यूज़ कर रहे हो तो भाई ये नहीं कि आप पूरी गाड़ी पे मार के छोड़ दो, उसके बाद एक एक पार्ट पे मारो। अगर आपने ऐसा करा तो ये पॉलिश जम जाएगी आपके पार्ट पे, और आपको काफ़ी दिक्कत होगी उसे छुड़ाने में, आपको दोबारा हो सकता है गाड़ी धोनी पड़ जाए, इतनी ज़्यादा परेशानी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो अब हम सीधा इस पर कपड़ा मारना चालू करते हैं जल्दी से। तो भाई अब अच्छे से कपड़ा इस पर मैं मार रहा हूँ, और आप देख ही रहे हो यहाँ पे ग्लॉस कितना ज़्यादा आ चुका है। तो भाई अब ज़रा इस पूरे पैनल पे मैं मार लेता हूँ कपड़ा। सो गाइज आप देख सकते हो भाई कितनी तगड़ी चमक आई है यहाँ पे अपने पेंट में निकल के, और काफ़ी अच्छा हो गया अब अपना मडगार्ड। और आपको भी कुछ आइडिया हो गया होगा भाई इस पॉलिश का कैसा रिव्यू है, मैं अपना रिव्यू बताऊँ तो भाई काफ़ी अच्छी पॉलिश है, आप सब भी ले सकते हो। पर एक डिसएडवांटेज इस पॉलिश में ये है कि भाई इसको काफ़ी ज़्यादा ना रगड़ना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जब भी मेरे को लगता है ये ज़्यादा ना मैंने बंदों पे देख ही नहीं, क्योंकि और जो पॉलिश है उन्हें लगाओ और एकदम थोड़ा बहुत घिसो और काफ़ी अच्छी शाइन आपको देखने को मिल जाती है। पर इस पॉलिश को ना काफ़ी ज़्यादा रब करना पड़ता है, उसके बाद आपको कुछ शाइन देखने को मिलेगी, मतलब मेहनत ज़्यादा इस पॉलिश में। और आज के समय में लोग ये सोचते हैं भाई कि कम मेहनत में ज़्यादा उन्हें कुछ मिल जाए, और जो 3M की रबिंग है ना भाई उसमें भी इतनी मेहनत नहीं लगती, बल्कि वो तो रबिंग है, उसका तो काम ही घिसना है, उसमें भी इतनी मेहनत नहीं लगती जितनी इस वैक्स पॉलिश में लग जाती है। और अगर आपको देखना है भाई कि 3M का कैसा रिव्यू रहा है 3M रबिंग कंपाउंड का, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। मैंने उसमें अपनी क्लासिक पे वो 3M की रबिंग अप्लाई करी थी, और अगर आप बोलोगे भाई एक और रिव्यू बना दो बढ़िया सा, तो मैं वो भी बना दूंगा। तो ऐसी कुछ इसने शाइन निकाल के दी है मेरे टैंक पे, मैं इस तरफ से नहीं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ, ऐसी कुछ इसने शाइन निकाल के दी है भाई अपने टैंक पे और मडगार्ड पे, काफ़ी अच्छी पॉलिश है, आप सब भी ले सकते हो। तो चलो जल्दी से करते हैं इस वीडियो को एंड, बाकी यही थी कुछ अपनी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपसे फिर दोबारा किसी और नए वीडियो में किसी और नए कंटेंट के साथ। सो ओके भाई, राम राम।